गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग। व्लॉग नहीं है ये, एक्चुअली मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहेंगी कि घर पे आजकल बच्चे लोग जो ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं वहाँ पर टीचरों को किस तरह से उल्लू बनाया जा रहा है, बेवकूफ बना रहे हैं बच्चे टीचरों को। इन्हें कहा गया था कि घर में ड्रेस पहन के तैयार हो, और ये देखिए इस बच्चे को ड्रेस पहन के रखी है और नीचे पजामा और नीचे बिल्कुल इसने बाथरूम वाली चप्पल पहन रखी है। आखिर क्या ये अपने बच्चे टीचरों को बेवकूफ बनाने में कामयाब हुआ है, जानते हैं इसी से। बताइए आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है आशुन। और ये आप कौन सा ढोंग क्लियर कर रखे हैं? जी इसे ढोंग नहीं कह सकते, पर ये एक टाइप की ट्रिक है। देखिए दिखेगा तो, अगर टेबल पर बैठते तब तो बिल्कुल नहीं ना। अच्छा। और कॉटन चौकड़ी लगा के बैठे, फोन थोड़ी हाइट पे रखेंगे तो नीचे का दिखना ही नहीं, तो नीचे का जब दिखना ही नहीं तो पहले नहीं क्यों? देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ से निकल के आ रही है कि जब आप टीचर के सामने एक टेबल पर बैठेंगे या एक कुर्सी पर बैठेंगे तो आपका नीचे का दिखेगा ही, अब आपका नीचे का दिखेगा ही नहीं तो नीचे के लिए कुछ पहनना ही क्यों? सो देखिए तो आप इसके अलावा निकर भी पहन के बैठते कभी कभी? तो आइए बात करते हैं इनसे कुछ पहाड़ी शब्दों में, इनके पहाड़ी वक्तव्य सुनते हैं। तो महाराज की सेवा महाराज क्या बढ़िया जपो तुसे। अच्छा तो देखिए ये लड़का अपने स्कूल का नाम भूल चुका है, मुझे अभी भी याद है, ये DAV पब्लिक स्कूल अपना लक्कड़ बाजार में होता था, लक्कड़ बाजार में नहीं मिडिल बाजार में होता था, वहाँ पे पढ़ते हैं ये। तो ये देखिए इधर आओ, तुम दोनों भी आओ इधर। और सुनाओ तुसे, और सुनाओ सर तुसे, सर क्लास तो लगने वाली ना, अभी तो टाइम हो, आओ तो सब टाइम देखा। अच्छा तो आप इंग्लिश में कुछ अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि आपको पता लगे हमारे दर्शकों की कि आपको इंग्लिश भी आती थी। आओ तो थी। देखिए इन्हें अब इंग्लिश नहीं आती, इनका मानना है कि आओ तो थी। ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है दोस्तों, इस पर हमने कोई ऐसा नहीं है कि हम पीछे से हमने कोई पहले से इसकी वीडियो क्लिप बना रखी है या कुछ भी है। तो और बताइए आप इंग्लिश में कुछ बोल के बताइए। Wow, that's great. Finally, दोस्तों, इसके पास इसकी शक्तियाँ वापस आ चुकी है। ए माँ मुझे शक्ति दे। शक्ति। और देखिए दोस्तों अब हमारे पास दो स्टूडेंट और आ चुके हैं, आइए प्लीज यहाँ पे आइए। आप सर आइए, मेरा नाम जोर से बोलिए। और आपका नाम? जी इनका नाम गीत। इधर आओ इधर पीछे खड़ो। आपका नाम गीत गर्ग। और आपका नाम? अच्छा तो आपको कुछ याद है कौन से स्कूल में पढ़ते थे आप? CBSE बोर्ड में पढ़ते थे, पर इनको ये नहीं पता कि कौन से स्कूल में पढ़ते थे। मैंने पूछा कौन से स्कूल में पढ़ते थे आप? अच्छा तो ऐसे बोलना जरूरी है। आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे, कौन से नाम बताओगे जी आपको? अच्छा स्कूल का पूरा नाम बताइए। अच्छा जी देख लीजिए, देख लीजिए नाम नहीं पता। आप कौन सी क्लास में पढ़ते थे कुछ याद है? जब स्कूल छोड़ा था तब फर्स्ट में थे, तो अभी कौन सी क्लास में हो चुके हैं? अभी भी फर्स्ट में है, जब स्कूल छोड़ा था तब भी फर्स्ट में। बहुत ज्यादा मतलब कहा नहीं जा सकता कि ऑनलाइन क्लास। एक सवाल पूछेंगे क्या स्मिति? इंटरव्यू मेरा चल रहा है, आप साइड में खड़े थोड़ी देर। निन्यानवे के बाद क्या आता है बेटा? देख लीजिए कि 99 के बाद क्या आता है। यशी तू बता 69 को हिंदी में क्या बोलते हैं? ईशा भी नहीं, इसको भी नहीं पता। गुनू आप बताओ 55 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 55 के मां को बताओ बोलो। हाँ तो देखिए 55 को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं 55। तो यहाँ जैसे थोड़ा मेरे को धूप लग रही है क्योंकि ऊपर है। और कुछ आपको अपना नाम पता है? हाँ जी। क्या नाम है? अच्छा जी आपका नाम क्या है? अच्छा इन बच्चों को अपने नाम पता है, सच सच बताओ रोल नंबर कितना था स्कूल में? मेरा नाम आपका? और इंग्लिश वाली मैडम का नाम? इंग्लिश वाली मैम का नाम उसको पता ही नहीं है। हिंदी वाली मैम का नाम सोचना पड़ रहा है। आपकी हिंदी वाली मैम का नाम? यस। मैथ वाले सर का नाम? गौरव सर। वेरी गुड गुड। आपके मैथ वाले सर का नाम पता ही नहीं। तो देखिए ये दोस्तों ये बच्चा पहली में पढ़ रहा है, ये बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो गया है कोरोना की वजह से। कैमरामैन से अनुरोध करूंगी कि कृपया हंसे ना।
क्योंकि ये वीडियो हमें अपलोड करनी है, तो इस बच्चे पर बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ना की गई है कोरोना वायरस ने। देखिए ये बच्चा भूल चुका है ये कौन से स्कूल में पढ़ता था, इसका रोल नंबर क्या है, इसे कौन टीचर पढ़ाते थे। बेटा पापा का नाम पता है? नहीं नहीं, पापा का नाम तो पता होगा, मम्मा का नाम भी नहीं पता। घर कहाँ है? नीचे इसका घर। घर गाँव का नाम? धामी। वेरी गुड, आपको इतना तो पता है। इसको पता है अपने गाँव का नाम और इसको पता है इसका घर नीचे। इसको ये भी नहीं पता कि इसके मम्मी पापा का नाम क्या है। पूरा नाम, पूरा नाम। आज मैं इसकी क्लास लूंगी। बाय द वे ऐसी बात नहीं है, इन बच्चों को मैं समझा दूंगी कि इनका घर क्या था, कहाँ है, क्या है नहीं। और आप कुछ यशमित अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगे अब जाते जाते हमारे दोस्तों को? जी मैं तो इनको ये एडवाइस दूंगा कि कृपया करके ऐसे नग्न ना बने और क्लासेस भी लगाते रहे। और ये जो आप खुद बने इसको क्या बोलते फिर? अरे मैं तो इसकी तो एडवाइस भी दूंगा। अच्छा, अरे जब दिखेगा इतना सा तो काहे पहने हम नीचे पॉइंट। और अगर ये वीडियो सब्सक्राइबर करते 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 आपकी टीचर के पास चली गई तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो जी नारी तो आई बारी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने हमारे साथ हमारे को अपना समय दिया और हम चाहते हैं कि आप लोग पढ़े और अपने फ्यूचर को कुछ बर्बाद होने से बचाएं। थैंक यू, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी फनी वीडियोस आपके सामने आती रहेगी। ये फनी वीडियो भी है और अगर आप सोचे तो एक गंभीर समस्या भी, बाकी अगर सोचने पे आप सब लोगों पे डिपेंड